तो झारखंड का नाम सुनते ही मन में बस दो ही ख्याल आते हैं, सुंदर प्राकृतिक दृश्य, झरने और यहाँ का संगीत। झारखंड का संगीत और इसकी मिठास अब यहाँ के कलाकारों के माध्यम से देश विदेश तक पहुँचने लगी है और यही वजह है कि झारखंड में अब फिल्म और एल्बम निर्माण को एक नई दिशा मिली है। तो इसी कड़ी में आज चाहो ना तो के नाम से एक म्यूजिक एल्बम का लॉन्च किया गया। और साथ ही आपको बता दें कि इस एल्बम की खास बात यह है कि इसके तमाम कलाकार, गीतकार, संगीतकार, निर्माता और निर्देशक सभी झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोगों ने एक म्यूजिक वीडियो तैयार किया है जिसका नाम है जान, इसे आज हम लोग रिलीज कर रहे हैं। इस म्यूजिक वीडियो ने म्यूजिक दिया है वीरू बाबा और अमित तिर्की ने, और हम लोगों ने शूट किया इसे केतरघाट में। इसके जो हीरो है और हीरोइन है, हीरो है नवीन क्रिकेटर जी जो एक समाजसेवी है, और हीरोइन है काजल सिंह। नेतरहाट में हम लोगों ने शूट किया क्योंकि क्या हुआ था कि नागपुरी वीडियोस आते हैं, गाने बहुत अच्छे आते गाते हैं लेकिन वीडियो से क्वालिटी उतना अच्छा नहीं हो पाता है किसी कारण। तो हम लोग एक प्रयास किए कि अच्छा वीडियो बनाने हैं, कि एक हिंदी टच का वीडियो बने। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां हम एल्बम के कलाकार हमारे साथ हैं और उनसे जानते हैं इस एल्बम के बारे में और सुनते हैं कुछ गीत और संगीत। जी तो कुंदन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। तो कुंदन जी क्या कहेंगे, एक बड़ी उपलब्धि यहाँ पर झारखंड को मिली है और इसमें जितने भी तमाम कलाकार हैं सभी झारखंड के हैं, क्या कहेंगे? देखिए शैलजा, आपने बिल्कुल सही कहा कि झारखंड की बात जब आती है तो यहाँ पे दो ही चीज दिमाग में आता है किसी भी व्यक्ति के, प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ का और यहाँ का संगीत। और संगीत में अब यहाँ पर एल्बम और फिल्मों के निर्माण की दिशा में झारखंड एक अहम पड़ाव पर है, सरकार की नीति कह लें या यहाँ के तकनीशियन, यहाँ के कलाकार। और हॉलीवुड में अब बॉलीवुड की झलक आपको दिखेगी और इसी झलक को दिखला रहा है यह नया एल्बम जो आज लॉन्च हुआ है। इस एल्बम के कास्ट एंड क्रू आज हमारे साथ हैं और इस कास्ट एंड क्रू में सबसे पहले हमारे साथ हैं, मैं परिचय कराना चाहूंगा अपने दर्शकों से, ये हैं सुमित सिन्हा, इस एल्बम के एडिटर हैं, और साथ में है सुमित सचदेव, ये इस एल्बम के डीओपी हैं, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं। उसके बाद है एल्बम के कलाकार हैं जिन्होंने इसमें एक्टिंग की है, ये है नवीन करकटा, और उसके बाद है मनोज शहरी जिनके गीत आप सुन पा रहे हैं इस एल्बम में, और उसके बाद अमित हैं जिन्होंने संगीत दिया है। सबसे पहले मैं एडिटर साहब जो हैं इस एल्बम से, उनसे पूछना चाहूंगा कि झारखंड में जो इस नई तकनीक का इस्तेमाल करके इन्होंने एल्बम को लॉन्च किया है, इसके पीछे इनकी क्या सोच और क्या समझ रही है? सुमित, पहले जो बनता था बहुत लो क्वालिटी होता था, पर इस बार हम लोग बहुत मेहनत किए और अच्छा बना है। हमारे डीओपी हैं सुमित सचदेव, काफी जगहों पे इन्होंने कैमरा और डीओपी का काम किया हुआ है, इनकी नागपुरी की तोड़ बिना एक बहुत सुपरहिट फिल्म रही थी, तो उसके बाद इन्होंने इस एल्बम का निर्माण किया है। हम सुमित सचदेवा से जानते हैं कि इस फिल्म के निर्माण से जुड़े कुछ अगर हमें कुछ बातें बता सके। सुमित, ये जो एल्बम है, एल्बम नहीं है बेसिकली, ये सिंगल ट्रैक नागपुरी सॉन्ग है जिसको जान एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का काम कर रहा था, लेकिन इस जो गाने में मैंने खुद डायरेक्ट भी किया हूँ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार किसी चीज को डायरेक्ट किया हूँ क्योंकि हमेशा कैमरे चलाता था, इस बार कैमरा के साथ साथ डायरेक्शन भी किया हूँ। और इस पे जो कास्ट हम लोगों की है, नवीन जीत है और काजल सिंह है, तो काजल सिंह और नवीन जी ने बहुत सपोर्ट किया, जो कि ये जो आप लोग देख सकते हैं जो हमारे सामने जो आया है बस उन्हीं के बदौलत है, क्योंकि अगर वो स्टार वो मेहनत नहीं करते, वो अच्छा से नहीं परफॉर्म करते, एक्सप्रेशन नहीं देते, तो हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते उनके बिना। हमारे साथ हैं इस एल्बम के कलाकार नवीन करकटा जी। नवीन जी, झारखंड में आके एक एल्बम का निर्माण किया आपने, इसमें अभिनय भी किया आपने, तो क्या आपको कहाँ मुसीबत हुई, कहाँ सुविधा हुई, कहाँ आपको ये एल्बम के निर्माण में क्या क्या चीजें रही? बस मैं यही कहना चाहूंगा सर कि मुझे ये
एल्बम करके बहुत भी मजा आया, और साथ में सुमित जी मुझे ऑफर किए कि नवीन जी आप ही कर सकते हो ये एक को, और कोई नहीं कर सकता है। और नागपुरी में 20 साल में मैंने पहली बार, मैं जब से अपने लाइफ में देखा हूँ देखते हुए, मैंने पहली बार इतना सुंदर एल्बम ने काम किया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना मैं तो कुछ बोलने का लाइक नहीं हूँ सुमित के सामने। हमारे साथ है मनोज शहरी, जिन्होंने इस एल्बम को अपने बोल दिए हैं, जिसमें इन्होंने गाया है, तो मुखरा हो जाए मनोज जी। चाहो ना तो कि कितना जाने जाना, चाहो ना तो कि कितना आ बताबू जाने जाना, दिल चीर के देख ले दिल में है तोरे नाम, चाहो ना तो कि कितना आ बताबू जाने जाना। बहुत अच्छा रहा। आज सावन का मौका है मनोज जी, और सावन में आज पहली सोमवारी है, तो दर्शकों को एक सावन के ऊपर का एक अगर किसी गीत का आप मुखरा सुना दें, नागपुरी हो, हिंदी हो या किसी भी दूसरी भाषा में। नागपुरी हम सुना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोला रे बोला बोले बाबा की, बोला बोलू बम चला रे पहला सुमारी, बाबा के नगरी बोलू बम बोला रे बोलू बम, बोलू बम बोलू बम बोला रे बोलू बम। और संजय हमारे साथ हैं इस एल्बम के संगीत इन्होंने इस एल्बम में दिया है, इनसे जानते हैं कि संगीत की ट्रेनिंग इन्होंने कहीं से ली है, और अगर इनसे कुछ हम सुन सकें या इनसे कुछ हम जान सकें। सर जहां तक हम लोग यहां का जो म्यूजिक है उसको हम लोग जैसे बॉलीवुड में जैसे देते हैं उस तरह का हम लोग सोच रखे हैं, यहाँ का म्यूजिक को हम लोग जहां तक हम लोग कोशिश कर रहे हैं रिच बनाने का, जो कि यहाँ के हमारे झारखंड वासियों को पसंद। सबसे बड़ी बात है हमारे गुरु बाबा का, जो कि रिदम कंपोजर है, वो बहुत बड़ा उनका भूमिका है, वो हम लोगों का मार्गदर्शन है, सबसे बड़ा बात ये है। कोई रिदम सुना सकते हैं क्या? रिदम तो सर अभी ऐसा कोई अगर वाद्य रहता तो मैं जरूर सुनाता सर, इसके लिए मैं अभी तो क्षमा चाहता हूं। तो शैलजा ये थे हमारे साथ इस एल्बम के कास्ट। जी जी कुंदन जी, आपसे आगे भी चर्चा इस पर जारी रखेंगे, आगे भी संगीतकारों से और आर्टिस्ट से यहाँ पे बात की जाएगी, लेकिन रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।